गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एंड स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इन एन इकोनॉमी। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आवर 28th लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट। Yes, students, so government budget and the economy meaning. So in the modern world, every government aims at maximizing the welfare of its country. हर एक गवर्नमेंट का एक एम होता है कि वो अपनी एक कंट्री के मैक्सिमम क्या कर सके, वेलफेयर कर सके. So it requires a number of infrastructure, economic and welfare activities, okay? So all these activities require huge expenditure to be incurred. कि सभी एक्टिविटी, ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर ये करें तो इसके लिए क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर भी उनको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे. So this requires appropriate planning and policy of the government. So the solution to all these problem is budget. इन सभी problems का एक ही solution है, वो क्या है, budget. So a budget is a document containing detailed programs and policies of action for the given fiscal year. So the meaning of government budget. Yes, student. So government budget is an annual statement showing item-wise estimates of receipts and expenditures during a fiscal year. And the receipts and expenditures shown in the budget are not the actual figures, but the estimated values for the coming fiscal year. Fiscal year is taken from 1st April to 31st March. Okay, so government budget क्या होता है? हमारी ये एक annual statement होती है. एंड जो क्या करता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. क्योंकि स्टूडेंट, जो हमारा बजट होता है उसके अंदर जो हम लोग क्या अपने रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर जो शो करते हैं बजट में, वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होती हैं. वो सब क्या होती हैं, एस्टिमेटेड वैल्यूज होती हैं जो, और वो आने वाले फिस्कल ईयर के, ठीक है, जो कमिंग फिस्कल ईयर है उसके लिए वो बनाई जाती हैं. और जो फिस्कल ईयर है वो आपको पता है, यू नो दैट फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1st April to 31st March. सो नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. यस स्टूडेंट, सो बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट and local government prepares its respective annual budget. However, we will restricted our studies to budget of central government known as union budget. Okay, hum sirf kis budget ki baat karenge yahan par, kis kis study karenge, only central government ke budget ki study karte hain, jo ki hum unse kya bolte hain, union budget. Okay, and student, estimated expenditures and receipts आर प्लान एज पर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, मतलब कि जो भी हम एस्टिमेटेड करते हैं, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट एस्टिमेटेड होती हैं, आर प्लान एज, वो कैसे प्लान की जाती हैं, वो गवर्नमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसके, उसको देखते हुए वो अपने क्या करती हैं, एस्टिमेट करती हैं एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट को. मतलब इस तरीके से प्लानिंग करती हैं कि कितना एक्सपेंडिचर करना है या कितनी कहाँ कहाँ से रिसिप्ट आनी है. ओके, तो वो गवर्नमेंट इसे के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो उनके एम्स होते हैं, उनको देखते हुए वो ऐसा करती हैं. एंड थर्ड वन इज, इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट. एंड स्टूडेंट, बाय कन्वेंशन इट इज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी ईच ईयर. And students, February 28 is a well-known date in India when the finance minister presents annual budget of the government.
okay, and the budget unfolds. Number one, the financial performance of the government over the past 1 year, यानी जो पिछला जो पास्ट ईयर गया है, पास्ट 1 ईयर है, जो पिछला साल गया है उसमें गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी दिखाया जाता है. एंड नंबर टू, द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर. और वो अगला जो अब आने वाला साल है उसमें वो कौन सी जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज हैं वो होते हैं. सो एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज़ मोर लाइक अ डिस्क्रिप्शन ऑफ what happened during the past 1 year, and focus is placed largely on the other parts of budget. Main unka focus kiske upar hota hai, jo uska dusra part hota hai budget ka, describing programs and policies of the government for the year to follow. Jiske andar wo kis cheez ko describe karte hain, jo programs and policies government ki hoti hain jo wo aane wale saal ke liye mein follow karenge jinko. Okay, to main focus uske upar hota hai. So students, the programs and policies of the government as presented in the budget are known as budgetary policy of the government or fiscal policy of the government. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजटरी, या तो गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी बोलते हैं या फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. एंड इट हैज टू एस्पेक्ट्स. फर्स्ट इज रेवेन्यू एस्पेक्ट्स, नंबर एंड नंबर टू इज एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट्स. दो होते हैं इसके एस्पेक्ट, एक तो रिवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट. ऑन द रिवेन्यू साइड द बजटरी पॉलिसी रिवील्स एक्सपेक्टेड रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ऑन द एक्सपेंडिचर साइड इट रिवील्स एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये चीज इसमें होती है, इसमें सारी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जो होती हैं वो सारी एस्टिमेटेड होती है, एक्चुअल नहीं होती. ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज बाय मैनेजिंग द बजटरी रिवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर दैट द गवर्नमेंट ट्राइज टू इंक्रीज जीडीपी ग्रोथ अलोंग विद स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी. सो दस गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ expected receipt and expected expenditure of the government that reveals budgetary policy of the government to achieve the twin objective of the growth with stability. Okay, so moving on next line. Hey students, so now we will discuss the objectives of government budget. So our first objective is reallocation of resources. Yes students, so reallocation of resources through the budgetary policy, government aims to reallocate resources in accordance with the economic means profit maximization and social means public welfare priorities of the government. And government can influence allocation of resources through number one, tax concession or subsidies, and number two, directly producing goods and services. So students, in first, tax concession or subsidies, to encourage investment, government can give tax concession, subsidies etc. to the producers. For example, government discourages the production of harmful consumption goods like liquids, cigarettes etc. and through heavy taxes and encourages the use of khadi product by providing subsidies. Okay, तो जो टैक्स कंसेशन और जो सब्सिडीज देता है वो क्या करता है कि जो जो क्या है, मतलब दोनों चीज़ें उसके माइंड में होती हैं, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा वो, दूसरा पब्लिक वेलफेयर भी होना चाहिए, दोनों ही उसकी प्रायोरिटी है. ओके, खाली वेलफेयर से भी काम नहीं चलेगा और खाली प्रॉफिट कमाने से भी कुछ नहीं होगा. तो वो इस तरीके से करती है कि क्या करेगी, सब्सिडी ऐसी चीज़ों पर सब्सिडीज देगी जो सबके लिए क्या हो, हमारे कंट्री के लिए फ़ायदेमंद हो, जैसे कि खादी प्रोडक्ट होते हैं उनको एनकरेज करने के लिए वो सब्सिडीज देगी. ओके, टैक्स से कंसेशन देगी,
और मान लो जैसे क्या है, जो हार्मफुल कंजप्शन गुड्स हैं, लाइक जैसे सिगरेट होगी, शराब होगी, तो उसके ऊपर क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है उसको डिस्करेज करने की कोशिश करेगी, तो उसके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाएगी. ओके, सो सेकंड इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. सो इफ प्राइवेट सेक्टर डजंट टेक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली अंडरटेक अ प्रोडक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ. सो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी इकोनॉमिक सिस्टम एंड गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द पुअर. ओके, अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी और जो गरीब हैं उनके वेलफेयर के लिए उनके ऊपर खर्चा करेंगे. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इट विल रिड्यूस इनकम ऑफ द रिच एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर. तो इससे क्या होगा, जो अमीर लोग हैं उनकी इनकम रिड्यूस होगी और जो गरीब हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो जाएगा. सो दस रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इस तरीके से जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. ओके, और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट इज यूज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशंस ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस कैन हेल्प इन फाइटिंग प्राइस फ्लक्चुएशन. ओके, जैसे इन जैसे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज अमर्ज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द एग्रीगेट सप्लाई. एंड यू हैव ऑलरेडी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. ओके, एंड गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीगेट डिमांड उसको डाउन करनी है तो वो कैसे करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करके वो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी के अंदर, जब इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी में तो एग्रीगेट डिमांड को कम करती है. ओके, एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर सकती है एंड गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज, और साथ में क्या कर सकती है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज दे सकती है. तो इन शॉर्ट, पॉलिसीज ऑफ सरप्लस बजट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड डेफिशिट बजट ड्यूरिंग डिफ्लेशन हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस इन द इकोनॉमी. ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. सो दे आर ये स्टूडेंट्स, सो देर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज स्पेशली नेचुरल मोनोपलीज विच आर इस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक एंड बजट इज प्रिपेयर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन्स फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेज एंड प्रोवाइडिंग दैम फाइनेंशियल है. सो स्टूडेंट्स, नेचुरल मोनोपलीज, वट इज नेचुरल मोनोपली. नेचुरल मोनोपली एग्जिस्ट वेन अ सिंगल फर्म कैन प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट अ कॉस्ट विच इज लोअर देन दैट ऑफ मैनी कंपीटिंग फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑपरेट्स मैनेजेस एंड कंट्रोल्स नेचुरल मोनोपलीज लाइक रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर. क्लियर? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. सो स्टूडेंट्स,
यस, तो इकोनॉमिक ग्रोथ, द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो किस पे डिपेंड करती है कि उस कंट्री का सेविंग है और इन्वेस्टमेंट का रेट क्या है वो। फॉर दिस पर्पस बस्ट्री पॉलिसी एम्स टू मोबिलाइज सफिशेंट रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर। देयरफॉर द गवर्नमेंट मेक्स वेरियस प्रोविजंस इन द बजट टू रेज ओवरऑल रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। ओके, ये स्टूडेंट्स आर नेक्स्ट, यस लास्ट ऑब्जेक्टिव इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज को कैसे रिड्यूस करना है। सो स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट बजट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू इट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी फॉर एनकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। इस जैसे आपने स्टूडेंट सुना होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर क्या होता है कि भाई ये सब बैकवर्ड एरियाज में होते हैं और वहाँ पर ना गवर्नमेंट क्या करती है कुछ कंसेशन वगैरह देती है, टैक्स रिबेट देती है, ये कई तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। वो इस वजह से करती है ताकि जैसे किसी ने मान लो इन्वेस्टमेंट करनी है या किसी ने कोई इंडस्ट्री खोलनी है तो वो इस ये कंसेशन के चक्कर में या इन चीज़ों के उसमें वो वहाँ पर मतलब वो उनको एनकरेज करती है कि वो उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उन बैकवर्ड रीजन्स में भी वो लोग क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर वह इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो और वो एरिया जो बैकवर्ड एरिया है वो भी डेवलप हो सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है अपनी टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर पॉलिसी के जरिए वो इन बैकवर्ड रीजन्स के अंदर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ पर प्रोडक्शन, वहाँ पर क्या करती है प्रोडक्शन करने के लिए एनकरेज करती है इन पॉलिसीज के थ्रू। ओके, सो स्टूडेंट्स आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टुडे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।